काफी दुखद समाचार सुनने को मिला कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी अच्छे हीरो थे, काफ़ी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई और ऐसी फिल्में बनाई कि लोगों को सीख मिली उन फिल्मों से और काफ़ी अच्छी सीख देकर गए वो। लेकिन पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे और उन्होंने इस डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में आत्महत्या करना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। जो मरने से पहले या तो लेटर खत लिख के जाता है आदमी के मैं डिप्रेशन में था, मुझे बहुत ज़्यादा एक महीने से डिप्रेशन थी, दो माह से डिप्रेशन थी, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। आपने कभी ये सोचा है कि मुझे मेरे मरने के बाद में जिन में मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को मैं जो छोड़कर जा रहा हूँ उनको कितना ज़्यादा डिप्रेशन देके जा रहा हूँ, मैं उनको कितनी ज़्यादा टेंशन देके जा रहा हूँ। आपको जाने के बाद, आपकी डेथ होने के बाद आपने जो सुसाइड किया उसके बाद में जो मिलने वाले हैं आपके, जो रिश्तेदार हैं आपके, जो आपके हमदर्द हैं आपके, जो आपके जो कॉलोनी के लोग हैं, वो एक दिन आएंगे, दो दिन आएंगे, दो दिन टेंशन में रहेंगे, दो दिन पश्चाताप करेंगे इस चीज़ का, और दो चार दिन ही आपके जो दोस्त हैं वो टेंशन में रहेंगे कि आज सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा एक्टर था, अरे यार मेरा दोस्त था वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जो आप माँ बाप को जो छोड़कर जा रहा है, जो टेंशन दे के जा रहा है, जो आप डिप्रेशन में डाल के जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी दुखद बात है कि आपने माँ बाप को कितने समय तक वो डिप्रेशन में रहेंगे, हो सकता है जब तक ज़िंदा रहें तब तक ही वो डिप्रेशन में रहें, उनको उनकी मरने के बाद ही वो डिप्रेशन ख़त्म हो। तो आपने आप अपना डिप्रेशन कम करने के लिए आपने अपना सॉल्यूशन देख लिया कि मैं जो केवल मेरी केवल सुसाइड ही मेरा सॉल्यूशन है, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो लेकिन आप कितने लोगों को, आपके परिवार के कितने लोगों को आप मार कर गए हो, कितने लोगों को डिप्रेशन में दे कर गए हो। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो केवल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा निर्भर हो गई है। हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है। आपके बच्चों को 12 साल का हो गया है, उसके हाथ में भी आप मोबाइल देख लो, 14 साल का है, 18 साल का हो, 20 साल का हो, कितने ही साल का हो, चाहे वो 8th क्लास में पढ़ रहा हो, उसके हाथ में भी आप मोबाइल देख लो। आप ये मत सोचिए कि मैं मोबाइल को चला रहा हूँ, मोबाइल को आप नहीं चला रहे हैं, बल्कि मोबाइल आपको चला रहा है। आजकल के जो माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, इतनी रात तक क्यों जग रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि मोबाइल देख रहा है, कि मोबाइल पे किससे बात कर रहा है, कि मोबाइल पे क्या काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं है अपने बच्चे के लिए। 8-8, 10-10 दिन अपने बच्चों से बात नहीं होती है माँ बाप की कि वो क्या कर रहा है, कि क्या नहीं कर रहा है, कि किस डिप्रेशन में जा रहा है। तो जो आजकल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, प्यार मोहब्बत में इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं और वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। और कुछ लड़के लड़कियां तो ऐसे होते हैं कि वो जो 6 माह का प्यार होता है ना, वही सब कुछ होता है, वही सब कुछ होता है, वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, जो बचपन से जो 18 साल 20 साल का किया है उसके लिए वो सब भूल जाते हैं और वो 6 माह का प्यार ही सब कुछ लगने लगता है। कुछ लड़के लड़कियां तो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपने माँ बाप को, जो मैंने 20 साल मुझे प्यार किया है, मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, पोसा है, किस तरह से, किस कंडीशन में मेरी परवरिश की है, तो वो सब चीज़ भूल जाते हैं, उन्हें केवल वो 6 माह का प्यार दिखता है। और यदि वो उनसे नहीं मिल पाते हैं तो वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, नस काट लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिससे उनकी आत्महत्या हो जाती है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके लिए वो सब कुछ हो गया जो आप
छः माह से आपके साथ में है, या आप एक घंटे बात कर रहा है, या आपसे मिल रहा है वो, और उनको भूल गए आप जिन्होंने आपकी उंगली पकड़कर चलाया, क्या चीज़ चाहिए उससे पहले आपको लेकर आए, क्या खाना है उससे पहले माँ ने आपको बना कर दिया, क्या आपको पसंद है वो आपको माँ ने आपको दिया, लेकिन वो सारी चीज़ें आप भूल जाते हो और आप बस आपका यही कहना होता है लास्ट में जब आप सुसाइड करते हो, एक लेटर लिख दिया आपने कि बस मैं डिप्रेशन में हूँ इस वजह से मैं मर रहा हूँ। और कितने लोगों को आप डिप्रेशन में जाकर ले जाकर छोड़ दिया है आपने। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप, आपको किसी तरह का डिप्रेशन है, बच्चों को किसी तरह का डिप्रेशन है, तो अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपने चर्चा कीजिए, जो परिवार में जिससे आपकी बात अच्छे से होती है, जिससे आप बात कर सकते हैं उससे बात कीजिए। सुसाइड करना, आत्महत्या करना एक सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन आप बात करके भी निकाल सकते हैं। और माँ बाप से भी बस यही अनुरोध है, कृपया अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है बच्चों को उसी काम के लिए आप मोबाइल दीजिए। आप 12 साल के 14 साल के बच्चों पे आजकल 10-10 12-12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके हाथ में भी मैं मोबाइल देख रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा कुछ डिप्रेशन में जाने का एक ये भी कारण है कि टेक्नोलॉजी आप बच्चों को दे रहे हो, मोबाइल दे रहे हो आप, और मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। आज कल ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे सही राह पर ही जा रहे हों, यदि आप माँ बाप नहीं देखेंगे तो वो सही राह पे नहीं जाएंगे। माँ बाप ही सही राह पे दिखाने के लिए, ले जाने के लिए बच्चों को एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस डिप्रेशन में कोई ना जाए, इस वीडियो से थोड़ी बहुत सीख मिल सके तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हो सकता है आपको भी खुशी होगी। और जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया है प्लीज़ आप ऐसा ना करें ताकि आपके माँ बाप डिप्रेशन में ना जाएं आपके वजह से, यदि आप अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हो तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।